केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आर्मी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज के किसी खास खबर पर। बक्सर, स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बक्सर के सिविल लाइन्स स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के परिसर में, जहाँ पहले परिसर में आवारा पशु घूमते देखे जाते थे, वहीं यह अस्पताल परिसर में ही नहीं बल्कि अब यह अस्पताल के अंदर भी घूमते स्पष्ट नजर आ रहे हैं। इलाज कराने पहुंचे लोगों ने जब यह नजारा देखा तो इसका वीडियो बनाकर तत्काल मीडिया कर्मियों को भेजा। इस तरह की बात सामने आने पर बक्सर जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिशंकर त्रिवेदी ने कहा कि बक्सर में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इस तरह का नजारा देखने के बाद और भी कुछ कहना बाकी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बक्सर में चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, प्रबंधक की जगह आवारा सुअर तथा अन्य पशुओं का पाड़ा बना हुआ है। इस संदर्भ में जब सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नाथ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले में जानकारी मिलने पर सुरक्षा कर्मी के एक दिन का वेतन काटा गया है। साथ ही यह हिदायत दी गई कि यदि आगे भी इसी तरह की कोई लापरवाही सामने आई तो पुनः कार्रवाई की जाएगी। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। ये बक्सर का दुर्भाग्य कहिए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को रहते हुए भी यहाँ के अस्पताल में, जहाँ मरीज और डॉक्टर रहना चाहिए, वहाँ सुअर रह रही है। अगर वहाँ कोई भी उपलब्ध रहता, मरीज भी रहता तो सुअर नहीं रहती, और डॉक्टर भी रहता तो सुअर नहीं रहती। यानी कि ये सब सारे पेपरों पे हैं और पेपर पे रहने के चलते ही ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। कभी भी वहां किसी भी हॉस्पिटल में आप देखते होंगे कि एक गार्ड प्रतिनियुक्त रहता है कि उसके द्वारा आदमी पूछ के जाता है कि ये कहाँ जाना है, क्या कैसे करना है, क्या नहीं करना है। इसका मतलब हॉस्पिटल में कोई रहता नहीं है, इसीलिए सुअर दौड़ रही है वहां पे। ऑलरेडी सूचित कर दिया है कि आपके कर्मी ठीक से काम नहीं कर रहे, और उस दिन का उन लोगों का मानदेय को हम लोगों ने काटने का आदेश दिया है। आयुष्मान भारत का वेलनेस सेंटर है सर, हाँ। जिला मुख्यालय का ये वेलनेस सेंटर, जिस तरह से वहाँ पर कर्मचारी की जगह मरीज की जगह जानवर घूम रहे हैं, वो भी परिसर में, तो क्या इन्फेक्शन का डर नहीं है सर? स्वास्थ्य विभाग हम लोग उसी पर हम लोग सुरक्षा कर्मियों को कड़ेगी से उसको पालन करने के लिए कि कोई तरह का अनवांटेड चीज उस पर नहीं घूमे, उसके लिए हम लोगों ने डायरेक्शन दे दिया है। अब ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए।